सो हेलो, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, आप लोगों को पता होगा कैरम पुल के अंदर क्या चल रहा है, और सभी फियर प्लेयर्स भाई का हालत कुछ ऐसा हो गया है। तो हाँ गाइस, कैरम पुल के अंदर कुछ ऐसा ही चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ भाई लोग, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 400 के टेबल में मैच कनेक्ट करना है। और मैच लगने के बाद आपको ये देखना है कि वो ओपोनेंट का पास स्टिकर किसका पास है, टर्न किसका पास जाता है, ओपोनेंट के पास या अपना पास। ओपोनेंट के पास टर्न आने के बाद आपको क्या करना है, मैच को पूरा कट कर देना है। उसके बाद फिर से ओपन करना है, होम स्क्रीन पर जाके फिर से ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपको स्टिकर पर जाना है। डायरेक्ट स्टिकर पर जाने के बाद कोई सा भी आप स्टिकर ले सकते हैं। एक स्टिकर लेने के बाद आपको फ्रेम में जाना है, कोई सा भी एक फ्रेम आप चूज कर लेते हैं। फ्रेम लेने के बाद आपको डायरेक्ट सिंगापुर में मैच कनेक्ट करना है। और सिंगापुर में मैच लगने के बाद आपको देखना है किसका टर्न आता है। देखते हैं किसका टर्न आता है। और ये देखो गाइस, तो फाइनली टर्न आ गया, तो इस मैच को विन करते हैं। और ये देखो गाइस, ब्रेक इसको थोड़ा क्रॉस है, इसीलिए क्रॉस करके मारना पड़ेगा। और ये ब्रेक हिट हो चुका है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये मैच विन हो जाएंगे शायद, देखते हैं। तो ये मैच विन हो गया। अब फिर से आप लोग क्या करना है, आप लोग 400 में अगर मैच कनेक्ट करते हैं तो ओपोनेंट का पास टर्न नहीं, अपना पास टर्न आ जाएगा। इसीलिए दिल्ली में मैच कनेक्ट करते हैं, पहले भी दिल्ली में मैच लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं किसका टर्न आता है। तो गाइस देखते हैं, वही बीमारी है। तो गाइस फिर से मैच काटना है और फिर से दिल्ली में ही मैच लगा लेना है आप लोगों को। और दिल्ली में मैच लगाने के बाद आपको देखना है कि किसका टर्न आता है। अगर ओपोनेंट के पास टर्न जाता है तो आपको मैं जैसे बताया हूँ वैसा करना है। तो फाइनली अगर ओपोनेंट के पास टर्न गया तो मैच को लीव करना है। फिर उसके बाद होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको फिर से कैरम पुल को ओपन करना है। कैरम पुल को ओपन करने के बाद सेम ट्रिक यूज़ करना है, वही स्टिकर पे जाना है, एक कोई सा भी स्टिकर लगा लेना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी स्टिकर पे जाऊंगा। स्टिकर पे जाने के बाद कोई सा भी एक स्टिकर लगा लेते हैं, और फ्रेम भी आप लोग कोई सा भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्राउन चेस्ट है, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। उसके बाद सिंगापुर में मैच कनेक्ट करते हैं। सिंगापुर में मैच लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं किसका साथ मैच कनेक्ट हुआ है, मोहम्मद हवाई भाई के साथ। और ब्रेक देख सकते हैं किसका पास है, अपना पास। तो गाइस आप लोगों को ये मैच विन करने के बाद दिखा रहा हूँ कि ये भाई मोहम्मद हवाई भाई कितना नंबर पे है वर्ल्ड में। तो पहले मैच विन कर लेता हूँ। और हाँ भाई लोग, अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद ये मैच विन कर लेते हैं, देखते हैं। तो मैच विन करने के बाद मोहम्मद हवाई को देखेंगे कि वर्ल्ड में कितना नंबर पे है भाई। मुझे तो लगता है एक नंबर पे होगा शायद, अभी चेक कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं एक नंबर में चल रहा है, तो एक नंबर में चल रहा है। फिर भी टर्न किसका आया था गाइस, अपना ही टर्न आया था। इतना अच्छा आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन आगे अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हमारे चैनल में आता ही रहेगा। तो गाइज वही सेम ट्रिक यूज़ करना है, फिर से दिल्ली में मैच कनेक्ट करना है। और दिल्ली में मैच काटने के बाद आपको होम स्क्रीन पे आना है और फिर से कैरम पुल को ओपन करना है। और कैरम पुल को ओपन करने के बाद वही सेम करना है गाइज, हर बार आपको सेम करना है। जब आपका टर्न जब तक ओपोनेंट के पास नहीं जाता है, तो फिर से आना है। आने के बाद स्टिकर पे आना है, स्टिकर चेंज करना है, फिर से फ्रेम वही चेंज करना है। फ्रेम चेंज करने के बाद आप एक ब्राउन चेस्ट ओपन कर लेंगे। ब्राउन चेस्ट आपके पास रहेगा तो भी चलेगा, नहीं ओपन करते हैं फिर भी चलेगा। मैं एक ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद सिंगापुर में मैच लगा लेता हूँ। और हाँ गाइस, इस बार अगर टर्न आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेंगे, मुझे पता है। देखते हैं, और देखिए गाइस फाइनली टर्न आ चुका है। तो गाइस अभी कुछ अलग ब्रेक लगाएंगे,
तो हाँ भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो आप लोग इस ट्रिक की मदद से ऑटो प्ले का वाट लगाइए और अपना आईडी में ढेर सारा कॉइन बनाइए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब उससे पहले गाइज, आप लोगों को अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में एक प्यारा सा कमेंट कर देना है आप लोगों को। और बहुत जल्द मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज। Tonight